गरियाबंद जिले के गांधी मैदान में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता संघ ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए पीडीएस संचालक विक्रेता संघ ने प्रमुख मांग के रूप में खाद्यान्न कटौती, सर्वर की समस्या, मानोदय व्यवस्था, कमीशन की राशि सहित कई मांगे रखी। इसके अलावा संघ ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं सर। 6 सूत्री मांग पर समस्या अधिक होती है और हमारी मानदेय राशि है, कमीशन की राशि है जो हमारे विक्रेता भाइयों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, इस कारण हम लोग धरना प्रदर्शन पे यहाँ बैठे हुए हैं। अभी एसडीएम सर को हम लोग ज्ञापन दिए हैं और अभी जो सीएम का दौरा था उसमें भी हम लोग सीएम को भी दिए हैं। इससे पहले हम लोग खाद्य सचिवालय में भी दिए हैं। की मांग है कि हमारा मानदेय बनाया जाए महीने में और हमारी जो कमीशन है वो टाइम पे मिले और कमीशन राशि भी बढ़ाया जाए, ठीक है। और क्या है, समूह को जब से मिला है तब से ये ई पॉस चालू हो गया है, तो इसके वजह से ग्रामीण स्तर में हम लोग को महिलाओं से मतलब गाली सुनने को मिलता है कि ये सर्वर का प्रॉब्लम की वजह से ये सब समूह जब से आया है तब से ई पॉस आया है और मतलब हम लोग को लंबे समय तक यहाँ रुकना पड़ता है, टाइम लगता है और जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं उन लोग को भी मतलब इंतज़ार करना पड़ता है बहुत समय तक, उन लोग का फिंगर भी नहीं आता।